कार्य न करने और पछताने से बेहतर है कि कार्य करे और पश्चाताप करे। जो धोखे से जीता जा सकता है उसे बल से जीतने की कोशिश न करे। एक बुद्धिमान शासक को इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि उसके नियंत्रण में क्या है दूसरों के नियंत्रण में नहीं है। जो लोग गुलाम बने रहना चाहते हैं उन्हें मुक्त करने की कोशिश करना उतना ही मुश्किल और खतरनाक है जितना कि उन लोगों को गुलाम बनाना जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पुरुष इतने सरल और तत्काल जरूरतों का पालन करने के लिए इतने इच्छुक है कि एक धोखेबाज को अपने धोखे की पीड़ितों की कभी कमी नहीं होती। हर कोई देखता है कि आप क्या दिखाते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही अनुभव करते हैं कि आप वास्तव में क्या है। खतरे के बिना कोई भी कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। उद्यमी केवल वे होते हैं जो समझते हैं कि बाधा और अवसर के बीच केवल थोड़ा ही अंतर है और जो दोनों को अपने लाभ में बदलने में सक्षम है। एक शासक की बुद्धि का आकलन करने का पहला तरीका यह है कि उसके आसपास के लोगों को देखे। समुद्र के शांत होने पर तूफानों की आशंका न करना एक सामान्य गलती है। बुद्धि में मुसीबत की प्रकृति को भेद करने और कम बुराई को चुनने का तरीका जानना शामिल है। पुरुष एक महत्वाकांक्षा से दूसरे महत्वाकांक्षा की ओर बढ़ते हैं। पहले वे हमले की खिलाफ खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं और फिर वे दूसरों पर हमला करते हैं। जिस स्त्री के अंदर अधिक काम वासना होती है वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती है। जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं है वे लोग नई चीजों पर दिल से विश्वास नहीं करते हैं। बुद्धि की निशानी अपने स्वयं के अज्ञान के बारे में जागरूकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ।